हजारों वर्ष से परमेश्वर का वचन दुनिया भर में सुनाया जा रहा है, और ये वचन जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं, परमेश्वर के विभिन्न विभिन्न दासों ने अपनी हस्तलिपि का इस्तेमाल करके परमेश्वर की प्रजा तक पहुंचाया है। कई परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के बलिदान और त्याग के बाद आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व रेवरेंड चार्ल्स के द्वारा स्थापना की गई प्रथम ब्रिटिश बाइबल सोसाइटी की स्थापना 21 फरवरी 1811 में हुई, जिसके बाद बाइबल कई भाषाओं में अनुवाद की गई और परमेश्वर की आज्ञानुसार इसी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास आज भी बाइबल सोसाइटी कर रही है। पर दुख की बात यह है, बहुत से मसीह लोग इस बात की गंभीरता और मेहनत को नहीं समझते, और इन्हीं बातों को लेकर इस फिल्म की शुरुआत हम कर रहे हैं। ऑफिस का दिन खत्म हो चुका था। आज दिन भर स्टाफ की सारी बातों को और अनुभवों को सुनने के बाद दिल काफी खुश तो था, लेकिन उतना दुखित भी था, क्योंकि मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि शायद लोग ये भूल चुके हैं कि बाइबल सोसाइटी के प्रति उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। बेशक बहुत सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पर ऐसे बहुत से हैं जो नकारात्मक हो गए हैं। और मेरी परमेश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर वापस लोगों को तू सकारात्मक कर, और यही प्रयास हम सबों का रहेगा। अरे, ये बाइबल नीचे कैसे गिर गई है? ओफो, हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। तेरा ये पवित्र वचन इस जमीन में पड़ा हुआ था और हम में से किसी ने भी इसे नहीं देखा। हमें क्षमा कर परमेश्वर, हमें क्षमा कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन।
प्रॉपर्टी मुझे नहीं है। अरे यार एडवर्ड भाई, 3 महीने हो गए यार, कोई टूर ही नहीं लग रहा है यार। नहीं तो पहले कभी यहाँ कभी वहां। बात तो सही बोल रहे हो। वो पता मजे की बात तो ये है कि सीमा भी घर में बहुत खुश है। खुश क्यों ना होंगी, आखिर इतने सालों बाद हम उन्हें समय दे पा रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। मिस करते थे फैमिली प्रेयर, बच्चों के साथ घूमना खेलना, समय ही नहीं देते थे ना। इन चीजों के लिए हमारे पास समय ही कहाँ बचता था। लेकिन अब जाकर परमेश्वर ने मौका दिया है कि अब परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पर जो आनंद परमेश्वर की सेवा में है वो किसी और काम में नहीं। वो टूर के उबड़ खाबड़ रास्ते, वो जंगल की भयानक सनसनाहट। हाँ, आपको तो बाहर निकलते समय डर ही लगता था। हमेशा जंगल से जाते समय भजन संहिता 91 बोलते चले जाते थे। चलो भी, आप भी कुछ भी बोलते हैं ब्रदर, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है और परमेश्वर के वचन की बातें हमारे लिए आशीष का कारण है। बात तो सही है, बहुत याद आते वो सब दिन, और परमेश्वर ही वो सब दिन वापस लेकर आ रहा है। अब देखो सरकार भी धीरे धीरे लॉकडाउन कम करते जा रही है। हाँ मेरे भाइयों, क्या आप लोग भूल गए, 2 दिन ही तो पहले सेक्रेटरी सर ने भेजा था ना पैट्रिक को होम विजिट पर। क्या बात कर रहे हो, पता नहीं चला। खैर आने दो उसे, पूछते उसका एक्सपीरियंस। अच्छा चलो ब्रदर, डिवोशन का टाइम हो गया है, चलते हैं। आया चलो आइए, चलो चलो। गुड मॉर्निंग आप सबों को, प्रेज द लॉर्ड। आप सब अच्छे हैं, प्रभु को बहुत धन्यवाद। चलिए डिवोशन का टाइम हो गया है, हम सब डिवोशन में चलते हैं। हर दिन की तरह आज भी हम परमेश्वर की आराधना में लौलीन थे। बाइबल सोसाइटी का पूरा स्टाफ हर सुबह एक साथ एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना में लवलीन रहता है, और परमेश्वर के वचन में हम सब मिलकर मनन करते हैं, सीखते हैं और सिखाते भी हैं, और एक ही बात की हर दिन प्रेरणा लेते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित रहना है, क्योंकि हमें मालूम है ये संस्था परमेश्वर के वचन को एक दिन दुनिया के छोर तक पहुंचा के ही रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रभु का बहुत धन्यवाद इस सुबह के लिए। जैसे कि आप सबों को पता है कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, और सरकार ने हम सबों को ये अनुमति दे दी है कि हम सब यहाँ पर धीरे धीरे एकत्रित हो सकते हैं। आपको पता है कि आज के पूरे विश्व में और भारत में भी चर्चेस नहीं लग रहे हैं, संडे संगति जो हुआ करती थी वो भी नहीं हो रही है, पर कोई बात नहीं, प्रभु को हर बात में महिमा मिले। सब कार्य संपूर्ण रूप में चल रहे थे और चलते रहेंगे। आज सुबह वर्शिप करते वक्त मुझे यह महसूस हुआ कि हम सबों को और प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर पूरे विश्व में चल रही है, और वो लक्ष्य एक ही है। किस बात का? कि परमेश्वर का वचन हर हाथ, हर घर और हर दिल में पहुंचे। आमेन। और हम इसी लक्ष्य को अपने हाथ में थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी अब धीरे धीरे होम विजिट चालू कर रहे हैं। बड़े बड़े टूर तो नहीं करेंगे, पर छोटे छोटे करेंगे, पर करेंगे जरूर। कि आपको पता है बाइबल सोसाइटी लोगों के सहयोग से ही चलती है। जब लोग सहयोग करते हैं तो बाइबल सोसाइटी को बहुत बड़ा योगदान मिलता है परमेश्वर के वचन को दुनिया के छोर तक पहुंचाने के लिए।
और बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई पैट्रिक अभी 2 दिन पहले टूर पे गए और आज उनको आना था। किसी की बात हुई क्या उनसे? सर, आज सुबह तो गुड मॉर्निंग मैसेज भी नहीं आया। नहीं तो हमारे पैट्रिक भाई और गुड मॉर्निंग मैसेज ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर, हो सकता है वो कुछ देर में आ जाए। वैसे भी हेड ऑफिस ने हमें छोटे छोटे टूर करने का ऑर्डर दिया हुआ है। हाँ, हम इंतजार करते हैं, हो सकता है दिन तक आ जाए। और वैसे भी कुछ लोगों की आदत होती है, या तो वो गुड मॉर्निंग मैसेज भेजेंगे या डेली बाइबल वर्स। सर क्या बताऊँ, मैं तो इतने व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हूँ कि कई तो खोल के भी नहीं देख पाता हूँ। ये बात तो सही है, मैं भी बहुत सारे ग्रुप में ऐड हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ बहुत सारे लोगों को तुरंत ही रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि बिजी होने के कारण मैं कई लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता। खैर, ये सब छोड़िए। अच्छा ये बताइए, जेम्स एडवर्ड, क्या आप लोगों ने बाइबल काउंटिंग पूरी करी? जी सर, सारे स्टॉक की काउंटिंग हम लोगों ने कर ली है और अकाउंट सेक्शन में भी हम लोगों ने जाकर पूरा हिसाब रीना मैडम को दे दिया है। सर सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन हम सबको ये पता है कि लॉकडाउन की वजह से बाइबल सोसाइटी के ऊपर आर्थिक प्रभाव पड़ा है और हम सबों को इसका सामना करना पड़ रहा है। सर आखिरकार लोगों के सहयोग से ही ये बाइबल सोसाइटी चल रही है और उसी वजह से आज दुनिया भर में परमेश्वर का वचन फैल रहा है। सर यदि हम अकाउंट्स की तरफ देखें तो पिछले 3 महीने में हमारे फाइनेंस में 85% की गिरावट आई है और जितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है हमें उतने में ही सरवाइव करना होगा। सर यदि लोग बाइबल सोसाइटी को आर्थिक सहयोग करना बंद कर दे तो क्या परमेश्वर का वचन छपना बंद हो जाएगा? ये सब बात तो ठीक है, लोग सहयोग करें या ना करें, परमेश्वर का वचन छपना कभी बंद नहीं होगा और ना ही लोगों तक पहुंचना। परमेश्वर का वचन प्रकाशित होते हुए आया है, होगा और होते रहेगा, क्योंकि ये उसने हमें दिया है, हमने नहीं। और रही बात लोगों के सहयोग की, तो लोग सहयोग करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे भविष्य को लिखने वाला जीवित है। और मेरे क्या, हम सब जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, हम सब जानते हैं कि हम जिस खुदा पे हम भरोसा करते हैं वो जीवित है। उसने इस संस्था को खड़ा किया है और वही इस संस्था को चलाएगा। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अपना एक इतिहास है, तो मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसके बारे में आप पहले भी सुनते आ रहे हैं, सुन चुके हैं, मैरी जोन्स। वो हम सबों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि उसने इतिहास में एक बहुत बड़ी संस्था की शुरुआत कराने में प्रेरणा बनी है। मैरी जोन्स एक ऐसी लड़की जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए बेताब थी। उसे रात और दिन एक ही ख्वाब था कि वो कब परमेश्वर के वचन को अपने पास ले आए, क्योंकि उन दिनों आपको मालूम है बाइबल प्रिंटिंग उतना नहीं हुआ करती थी और ना ही बाइबल सोसाइटी की, लोगों के पास बहुत कम मात्रा में बाइबल पहुंचा करती थी, जिनके पास थी वो बहुत महंगी थी। पर धन्यवाद परमेश्वर का मैरी जोन्स के लिए, जिसने ये संकल्प लिया कि वो 6 साल पैसा इकट्ठा करने के बाद परमेश्वर के वचन को लेने के लिए रेवरेंड चार्ल्स के पास भाग रही थी। मैरी जोन्स, जो एक अकेली लड़की खाली जंगल में दौड़ती हुई नजर आ रही थी, ना तो उसने दोपहर को देखा और ना ही उस कच्चे रास्ते को। उसके पास एक लक्ष्य था और वो ये कि उसे आज परमेश्वर का वचन प्राप्त करना है। मैरी जोन्स अपने आप में एक इतिहास बना रही थी और बाइबल सोसाइटी की शुरुआत के लिए वो एक प्रेरणा बन रही थी। 40 किलोमीटर का सफर उसने अकेले तय किया और परमेश्वर के वचन को पाने के लिए उसने 6 साल इंतजार किया।
अंडे और लकड़ी बेच बेच कर उसने पैसे इकट्ठे करे और इस सफर को तय किया। घना जंगल का सफर, नदियां, पानी और ना जाने क्या क्या। बिना सोचे बिना झिझके वो निकल पड़ी अकेले सफर में। कौन हो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सर, आप रेवरेंड चार्ल्स है? मेरा नाम मैरी जॉन्स है। मैं बाइबल लेने आई हूँ। बहुत दूर से दौड़ते हुए आ रही हूँ, इसलिए बहुत थक गई हूँ। तुम बाइबल लेने के लिए इतनी दूर से दौड़ती चली आ रही हो? हाँ सर, 6 साल लगे इस दिन के इंतजार में, और आज मैं अपने परमेश्वर का वचन लेकर ही जाऊंगी। हे प्रभु, अब मैं इसे क्या जवाब दूं? क्या हुआ सर? बेटा, तुम तो जानती ही हो आजकल बाइबल को प्राप्त करना कितना मुश्किल है। एक ही बाइबल थी मेरे पास, जो किसी ने पैसे देके मोल ले ली, मेरे पास रखी है, पर मुझे उसे देना है। आई एम सॉरी, वो बाइबल मैं तुम्हें नहीं दे सकता। परमेश्वर, यदि आज ये बाइबल मैंने इसे नहीं दिया तो शायद मैं गुनहगार ना हो जाऊं। मैरी, ये लो तुम्हारे लिए। यह उसके लिए खुशी का पल था जब उसे वो मिल गया जिसकी तलाश में वो 40 किलोमीटर का सफर कर कर आई थी। 6 साल का इंतजार और इतना लंबा सफर। उसका दिल आनंद से परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा था। वो इतनी खुश थी जिसका बयान शायद हम शब्दों में भी ना कर सके। और इस बात को देखकर रेवरेंड चार्ल्स के दिल में एक प्रेरणा आई, ये कि क्यों ना बाइबल सोसाइटी की स्थापना की जाए। इससे परमेश्वर का वचन हर हाथ, हर घर और हर दिल में पहुंच जाए। अरे पैट्रिक, क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो? सर, मैं यहाँ खड़ा था, आपकी बातें सुन रहा था, थोड़ा दिल भर आया। कोई बात नहीं, आओ चलो बैठ जाओ। उस खुशी को हम लोग समझ नहीं पाते जब परमेश्वर का वचन ना हमसे बात करता है। मैरी जोन्स को वो मिल गया जो उसे चाहिए था, लेकिन रेवरेंड चार्ल्स को वो मिल गया जो उनके जीवन का उद्देश्य था। आज आप और मैं यहाँ एक उद्देश्य लेके बैठे हैं, और वो क्या है पता? परमेश्वर का वचन दुनिया के छोर तक पहुँचना चाहिए। आज बाइबल सोसाइटी हर भाषा में इस वचन को ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रही है। मालूम है क्यों? ताकि कोई एक जन भी मैरी जोन्स के समान वंचित ना रह जाए।
या तड़पता ना रह जाए, उसे 6 साल इंतजार ना करना पड़े। आपको पता है इसकी कॉस्ट कितनी महंगी है, लेकिन फिर भी हम लोगों तक बहुत कम दाम में इसे पहुंचाते हैं। पता है क्यों? वो इसलिए ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर की सच्चाई को जान सके। आप चाहते तो कोई बड़े ऑफिसर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे। भाई जेम्स, आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आपको पता नहीं यदि संसार में जॉब करते तो आप क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन आपको उत्साहित होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय जॉब में रखा है। आमेन। परमेश्वर ने आपको अपने स्वर्गीय जॉब में रखा है। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए कुछ और नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य हमें मालूम है और हम उसे पूरा करेंगे, कोई सहयोग करे या ना करे। परमेश्वर लोगों को खड़ा करते हुए आया है और आगे भी खड़ा करेगा। आज लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व में परेशानी है, हमें इस बात से घबराना नहीं चाहिए। हम समझते हैं लोग परेशानी में हैं, इसलिए सहयोग नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, जो देने वाले हैं वो जरूर सहयोग करेंगे, परमेश्वर उन्हें खड़ा करेगा। मैं पैट्रिक, क्या हुआ, कहां खोए हुए हो? कुछ नहीं सर, कुछ याद आ गया था। बड़े उदास उदास से दिख रहे हो। खैर ये बताओ, तुम बाहर गए थे, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो अच्छा रहा सर, पर दिल थोड़ा दुखी है सर। इस बार जब मैं विजिट पे गया तब मैं दिन भर विजिट पे था। विजिट के दौरान बहुत सारी चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, जैसे कि लोगों की नकारात्मक बातें, लॉकडाउन का सफ़र और बहुत सारी चीज़ें। लोग अलग अलग बातें बताकर सिर्फ नकार रहे थे। बारिश बहुत हो रही थी और मुझे एक घर और विजिट करना था, और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तब हेलो बेटा, हेलो। अरे मम्मा मम्मा, वो देखो चंदा लेने वाले अंकल आए। जयमसी की सिस्टर। जयमसी की सिस्टर, मैं आया, नीचे बच्ची मिली थी, उसने बोला चंदा लेने वाले आए हैं। हाँ तो ब्रदर, सही तो बोली लड़की ने, किसको किसको चंदा दें, कभी वो मिशन वाले कभी वो मिशन वाले। हमारे भी तो कोई क्षमता है देने की, सब कुछ आपको ही दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। सिस्टर हम तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं और अपने लिए नहीं प्रभु की सेवा के लिए मांगते हैं। ब्रदर हम भी तो देते हैं ना, अब चाहे उनको दें या आपको दें, बात तो एक ही है ना। कोई बात नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। जय मसीह। जब मैं उस परिवार से बाहर निकला मेरे दिल में बहुत सारा गम था, और मुझे ये लग रहा था कि परमेश्वर मैं तो तेरी सेवा के लिए यहाँ पर उपलब्ध हूँ, लोग मुझे क्यों इस नज़रिए से देख रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, ये बात मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम आखिर हैं मसीही। सारा दिन विजिट करने के बाद मैंने सब जगह से एक ही रिस्पॉन्स पाया, कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। सबके पास एक अपने आप में कहानी बनी हुई थी। जब मैं उस दिन के आखिरी घर पर पहुँचा, मैं घर पर विजिट करने गया, सोचा था कि परमेश्वर के वचन की बातें होंगी, मैं लोगों को BSI के बारे में बताऊंगा, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पर लोग भरे बैठे हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए। मुझे तो ये लगने लगा कि हम शायद केवल लोगों की कंप्लेंट सुनने के लिए ही इनके घर आते हैं। लोग नाना प्रकार की यहाँ वहाँ की इधर उधर की बातें करते चले जाते हैं और समय की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और जब अपनी पूरी भड़ास ख़त्म कर लेते हैं तब आखिर में कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात थी कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा था
उसी को सैनिटाइज किया जा रहा था। मैं इस गम को दबा नहीं पा रहा था सर, मेरे अंदर बहुत तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि सब छोड़ के यहाँ से निकल जाऊँ। ये जायज़ है पैट्रिक, और ऐसा होना भी ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूँ, हम सब सामान्य परिवार से हैं। परमेश्वर हमको बहुत आदर दिलाता है, पर कभी कभी कड़वे अनुभव भी हमारे पास होते हैं। और यहाँ जितने भी बैठे हैं, इन सब अनुभवों से गुजर चुके हैं। कोरोना, लॉकडाउन, COVID-19 के चलते आज लोग सब अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और इस बात के लिए हम किसी परिवार को दोष नहीं दे सकते। पैट्रिक, मैं समझ सकता हूं आपके दिल में क्या ठेस पहुंची है। आप बारिश में भीगते, घर घर विजिट करते, लोगों ने घर के अंदर नहीं बुलाया, या बुलाया भी तो जैसा रिस्पॉन्स उनको करना चाहिए शायद नहीं किया। कोई बात नहीं, पर परमेश्वर ने हमको प्यार करना सिखाया है। हमें उनके सपोर्ट से उतना मतलब नहीं होता जितना मतलब उनके स्वभाव और उनके आदर सत्कार से होता है। आपकी दिल की तकलीफ मैं समझ सकता हूं, और हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब परिवार हैं, हम सबों का एक ही लक्ष्य है। लेकिन सब अपनी सुरक्षा चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी गंदी बीमारी किसी के घर में आए। इसलिए मैं आपके दर्द में मलहम नहीं लगा सकता, पर हाँ, ये समझाइश जरूर दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, शायद इन्हीं बातों का शायद अभी कुछ समय और सामना करना पड़ सकता है। अच्छा हुआ कि भाई पैट्रिक के अनुभव से हम सबको आने वाले दिनों के लिए कुछ सीख मिल सके। प्रभु सबों को आशीष दे, यही हमारी प्रार्थना है। खैर, इस माहौल को हम गंभीर ना बनाएं, परमेश्वर ने हमें आनंदित होने के लिए बनाया है, और हम सब यहां पर खुश रहें, आनंदित रहें। बाइबल सोसाइटी में जब से हम लोग काम कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हमारे पास बहुत अनुभव है। हमारे पास यहां पे अनुभवी लोग बैठे हैं, भाई जेम जैसे, भाई एडवर्ड, यहां पर हमारे पास बहुत अनुभवी लोग हैं, पर भाई एलिक और इन सबके पास बहुत ऐसे अनुभव हैं जो हमारे दिल को वापस उत्साहित कर सकते हैं। तो क्यों ना आज हम उन बातों को याद करें। क्या बोलते आप लोग सब? Yes, sir. बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारे, मुझे याद आ रहा है, बाइबल सोसाइटी में हमारी सहयोगी हुआ करती हैं, अभी भी हैं, बहुत बड़े पद पे है, और हमारे जेम्स भाई जो हैं वो अक्सर उनके यहाँ विजिट करते हैं। शायद आप लोग यदि याद कर पा रहे हो, और अरे एलिक भाई, आप तो समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जेम्स भाई, आप जरा बताना पसंद करेंगे उनके बारे में कि क्या क्या खूबियाँ हैं उनकी? बाइबल सोसाइटी में ऐसे सहयोगी हैं जो बहुत बड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर परमेश्वर की सेवा में हाथ पटाते हैं। तो हम सुनेंगे जेम्स भाई से। जी सर, आप शालिनी मैडम के बारे में बात कर रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं, उनका प्रमोशन हो गया है और अब वे कलेक्टर साहब की पीए हो गई हैं। पर मैं जितनी बार भी उनके घर विजिट के लिए गया, वो और उनके हस्बैंड पूरे दिन हमारे साथ रहते हैं, छुट्टी लेकर मुझे विजिट कराते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं और हमारे सारे काम में सहयोग करते हैं। इतने बड़े पद में होने के बाद भी एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप लोग पूरा दिन छुट्टी लेकर हमारे लिए ये क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया। बाकी ये बताइए, भाभी और एमी कैसे हैं? दोनों प्रभु की दया से बिल्कुल ठीक है सिस्टर।
कल ही की बात है, जब मैं यहाँ आने के लिए बैग पैक कर रहा था तो हम दोनों पुरानी बातों को याद करके भावुक हो गए। लोग देश की सेवा करते हैं सिस्टर, और हम लोग परमेश्वर की। कोई शक नहीं कि हमारी संस्था बाइबल सोसाइटी हमारा बहुत ध्यान रखती है, और जो लक्ष्य हमें दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए हम और हमारा परिवार एक दूसरे को भूल जाते हैं। कभी कभी तो ये भी हुआ है कि हम लोग दो दो तीन तीन महीने घर नहीं लौट पाते हैं। अब देखिए ना, कल ही की बात है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई। अरे कहाँ चल दिए, अभी लॉकडाउन ठीक से खत्म भी नहीं हुआ और आप फिर टूर पर चले। तुम मुझसे लड़ना चाह रही हो? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अब तो इन सारी बातों की आदत सी पड़ गई है। कभी कभी जब हमारी बच्ची बीमार हो जाती थी तब बहुत तकलीफ होती थी, समझ नहीं आता था कहाँ जाएं, क्या करें। ये बात तो सच है कि मैं तुम्हारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे नहीं पाया, पर प्रगति, उन सब बातों को याद करके बहुत दुख होता है। अरे ऐसा मत बोलिए, परमेश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थिति में जानबूझ के रखा है कि मैं अपने परिवार के लिए एक मजबूत खंभा बन सकूं। सारा प्रतिफल आप अकेले थोड़ी ना ही बटोरेंगे, परमेश्वर ने मेरे लिए भी बहुत कुछ रखा है। आज तक परमेश्वर के साथ जो ईमानदारी आपने रखी उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। ओफो पापा, आप दोनों के इमोशनल सॉरी फिसेस स्टार्ट हो गई। अभी 3 महीने तक आप हमारे साथ थे और अब आपके टूर फिर से स्टार्ट हो गए हैं, तो प्लीज़ अब ये कहानी किसी को मत बताना। जब मेरी बेटी पैदा हुई तब मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, और जब दोबारा टूर पे गया और लौट कर आया तो देखा कि वो इतनी सी थी और इतनी हो गई, और जब दोबारा टूर पे गया और लौट कर आया तो देखा कि वो अपने घुटनों पर रेंग कर मेरे पास आ गई है। तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है। भैया खाइए ना, कह रही आपकी चाय भी ठंडी हो गई हो, लाइए मैं गर्म करके लाती हूँ। परमेश्वर की सेवा करना यानी अपने आप का त्याग करना होता है सिस्टर। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी पूछे भैया। आप इतने बड़े पद पर अधिकारी हैं, आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न हैं। देखा जाए तो इस शहर में आपको किसी चीज की कमी नहीं है, और पूरे जगह में आप परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। पिछली बार जब हम लोग मिस्टर स्टीफन के घर गए थे और वो हमसे बाइबल के लिए बहुत डिस्काउंट मांग रहे थे, बहुत बड़ा डिस्काउंट, और आपने उन्हें 2 मिनट में ही समझा दिया कि परमेश्वर का वचन का सम्मान करना क्या होता है। लोगों का क्या है, उन्हें तो हर चीज मुफ्त में चाहिए। ये लोगों को क्या पता, ये जीवित वचन जो हम पढ़ते हैं कितना त्याग और बलिदान है इसके पीछे। ये वचन आत्मा की वो तलवार है जो हमें जिंदगी की जंग को कैसे लड़ना है और प्रेम से उसे कैसे जीतना है सिखाती है। आजकल लोगों ने बाइबल को अपने मोबाइल में अपलोड कर लिया, कहते हैं हमें इस वचन की क्या जरूरत। उन्हें शायद ये नहीं पता कि जिस तलवार को वो अपने हाथ में नहीं रखना चाहते वो उन्हें जीवन की हर जंग में विजयी बना सकती है। ये वो दवा है जो दिल के जख्मों को और हर उन बीमारियों को जिनका विश्व में कोई इलाज नहीं है चंगा करने की क्षमता रखती है। यदि एक शब्द कहूं
तो ये पूरी दुनिया है। और मुझे क्या, हम सभी को परमेश्वर के लिए निस्वार्थ होकर सेवा करनी चाहिए। कब तक हमारे बच्चे हमारी नौकरी हमारा पैसा के नारे लगाकर गाते रहेंगे? जीना है तो सिर्फ यीशु मसीह के लिए, और चलना है तो यीशु मसीह के वचनों पर। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और हम सभी का होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हर हाथ हर दिल हर घर में जरूर पहुंचेगा। और एक बात बताऊं भाई साहब, सिर्फ इस परमेश्वर के वचन के कारण ही मेरा जीवन सफल है। शालिनी बहन के बारे में सुनकर हम सबों को गर्व होता है, और परमेश्वर ने अपने ऐसे लोगों को रखा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा से उपलब्ध थे, और वो अपने सेवाएं देकर, बेशक वो हमारे जैसे या पासवान जैसे या इवेंजलिस्ट जैसे यहाँ वहाँ सेवा करने नहीं जा पाते, पर वो अपने आप को अवेलेबल करा के परमेश्वर की सेवकाई में सहयोग करते हैं। और बहन शालिनी एक ऐसी उदाहरण है जो बाइबल सोसाइटी के लिए हमेशा एक मजबूत खंबा बनकर खड़ी हुई है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करता है। ब्रदर एडवर्ड, आपके पास भी बहुत अच्छे अनुभव है। आपको याद है आप जब भी इंदौर जाते हैं, और वहां पर आपको पता है इंदौर में एक हमारे भाई हैं जो ऑटो चलाते हैं, और ऑटो चलाकर प्रतिदिन अपना दशमांश जितना वो कमाते हैं बाइबल सोसाइटी के डब्बे में डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चर्च में सहयोग नहीं करते, चर्च में भी अपना दशमांश पूरी ईमानदारी से डालते हैं। खैर, पूरी बात मैं बता दूंगा तो भाई एडवर्ड क्या बताएंगे, चलिए सुनते हैं उनके द्वारा। जी सर, मैं आप लोग सबको भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ। हमारे भाई हैं बहादुर, सचमुच में उनकी एक अद्भुत गवाही है। उनके बच्चों को परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। अभी पिछली बार मैं उनके घर गया, भाई साहब जय मसीह की, भैया जय मसीह की। क्या बात है यार, दिन ब दिन जवानी आती जा रही है, क्या बात है। कैसे हो? सारी बातें यहीं कर लोगे भैया, बारिश बहुत तेज है। चलो घर चल के बात करते हैं। कैसे हैं घर में सब? बढ़िया है, ठीक है? सब बढ़िया है, बस दया है ऊपर वाले की। वाह, क्या बात है। आज से 7 साल पहले आया था मैं यहाँ, जो कि शायद झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या बात है, 2 मंजिला मकान। परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, सच में कृपा। कृपा क्यों नहीं होगी, वही तो हमारा परमेश्वर है जो हमारा सृजनहार है। ये सब तो सब परमेश्वर का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, मुझे एक बार मौका मिले तो मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि वो जो परमेश्वर का वचन है ना, वो जीवन का मूल है। और हाँ, जब जब मैं परमेश्वर के उस वचन को पढ़ता हूँ तब तब मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। और एक विशेष बात बताऊँ आपको कि जब से मैंने परमेश्वर के उस पवित्र वचन के लिए भेंट देना शुरू किया है, जब से मैंने अपने जीवन में उन्नति की, और तब से मैं हर रोज़ अपना दशवांश इस डिब्बे में डाला करता हूँ। वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन चर्च में भी कुछ देते हो कि नहीं देते हो? क्योंकि ये बाइबल सोसाइटी है ना, चर्च की उन्नति पहले चाहती है। चर्च का दशवांश, बाइबल सोसाइटी का दशवांश, और जो मुझे गुप्त में दान देने होते हैं मैं सबका हिसाब अलग रखता हूँ भाई साहब। तभी तो आप इतने आशीषित हैं। मैं खुद जब जगह जगह जाता हूँ ना तो आपकी गवाही जरूर देता हूँ कि आप ये सब करते हैं। आपने तो हमें हीरो ही बना दिया भाई साहब। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए पानी और चाय लेके आता हूँ।
बहादुर भाई जैसे लोग हम सबों के लिए एक आदर्श है। दिन भर मेहनत करते हैं, ऑटो चलाते हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि इतनी कठिन परिस्थिति होने के बाद भी उन्होंने देना नहीं छोड़ा। हम यह नहीं कह रहे कि वो परमेश्वर के वचन के लिए भेंट को देते हैं, सहयोग करते हैं इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने आशीष उन्हें इसलिए दिया है कि उनके दिल के विचार बहुत शुद्ध थे, या यूं कहूं उनके इंटेंशन बहुत प्योर थे। जब हमारे इंटेंशन प्योर होते हैं ना, परमेश्वर हमारे दिल के अनुसार हमें प्रतिफल देता है। और मैं जानता हूं बहादुर भाई का पूरा परिवार हमेशा आशीषित रहेगा। हमारी रीना बहन के पास एक बहुत सुंदर सा अनुभव है। एक बार हम लोगों ने रीना बहन को स्टाफ कमी होने के कारण विजिट पे भेजा। रीना बहन एक बार हमारे बाइबल सोसाइटी को लगातार सहयोग करने वाली एक बहन के घर में गई। खैर, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आप खुद रीना बहन के मुंह से सुनेंगे। हाँ सर, मैं उस दिन को आज भी नहीं भूलती हूँ सर। आपको पता है, मैं जब जब उस 20 रुपए के नोट को देखती हूँ ना, मेरा दिल भर आता है सर। मैं सोचती हूँ आज भी ऐसे समर्पित लोग परमेश्वर के लिए हैं क्या। मुझे बहुत दुख होता है सर, लेकिन अंदर से बहुत खुशी होती है उस बहन के डेडिकेशन को देखकर। सर, मैं दिन भर विजिट में थी और जब मैं उस ग्रेस बहन के घर में पहुंची तब तेरे चल्ला मांगने वाले आए हैं। आ जाते हैं मुंह उठा के, हमें देना चाहिए, हम ही लोग से लेने आते हैं। क्यों, सुनती है कि नहीं? जी दीदी, अरे आई 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 जय मसीह की। अरे आइए ना, अंदर आइए ना, माफ करिएगा, मैं काम कर रही थी तो मैं सुन नहीं पाई है। आइए ना। जय मसीह की बहन, जय मसीह की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कैसी है ग्रेस बहन? मैं अच्छी हूँ दीदी, और आइए ना, आइए ना। काफी अच्छे दिख रहे हो दीदी आप, प्रभु का नूर आपके चेहरे से दिख रहा है। मैं भी अच्छी हूँ, प्रभु का अनुग्रह ग्रेस। बैठिए ना। और बताइए दीदी, कैसे आना हुआ? बस बहन, आपको तो पता है बाइबल सोसाइटी साल में एक बार डिब्बे इकट्ठे करने के लिए हमें भेजती है, और वैसे भी इस बार मुझे भेजा गया है एज अ फीमेल स्टाफ के रूप में, इसलिए मैं आई हूँ बहन। अरे हाँ दीदी, रखा है ना हमने आपका डब्बा। जब भी काम से पैसे मिलते हैं, आपको तो पता है ना कि मैं लाकर इस डब्बे में रख देती हूँ। इनका तो पता ही है आपको, सब पैसे पी के उड़ा देते हैं। हाँ ग्रेस, मैंने देखा। लेकिन तुम्हें पता है, तुम परमेश्वर की बहुत आशीषित बेटी हो, और प्रभु एक दिन तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा जरूर तुम्हारे पति को बदलेगा। हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हाँ दीदी, जरूर बदलेगा। आप बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं भी ना। ये लीजिए दीदी। हाँ बहन, धन्यवाद। प्रभु बहुत आशीष दे बहन। इधर आ, तू यहाँ बैठ, मेरे पास बैठ। अरे दीदी,
मैं तो 10 घरों में जाके काम करती हूँ, आपके बाजू में मैं कैसे बैठ सकती हूँ? बहन, प्रभु के राज में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब एक समान है। आप बैठ, मेरे पास बैठ। मुझे पता है बहन, तू बहुत परेशान है, लेकिन तू परमेश्वर के लिए बहुत ईमानदार है। हिम्मत रखना और साहस नहीं खोना, एक दिन परमेश्वर जरूर तेरे घर पे उत्थान लाएगा बहन। ठीक है दीदी, आपको देर हो रही होगी, आप रुकिए, मैं डब्बा लेकर के आती हूँ। ये लीजिए दीदी, और ये दान है। अच्छा, इनको देने के लिए पैसा है, मुझे देने के लिए पैसा नहीं है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं भैया? छोड़िए छोड़िए, आपको पता है परमेश्वर के लोगों को ये शोभा नहीं देता। गले में आप क्रॉस पहने हैं और ये कैसी हरकत कर रहे हैं आप? चुप बहन, मत रो, चुप। क्रूस का मतलब होता है यीशु मसीह के लहू का बलिदान, जो उसने आपके और मेरे लिए दिया, आपके और मेरे पापों के लिए दिया। और आप इस तरह की हरकत करके अपने परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं। हमारे घर की रोज की आम की बात है, लेकिन परमेश्वर का दान परमेश्वर को ही जाना चाहिए। दीदी, बेशक मैं गरीब हूँ, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। भले ही ये मेरी भेंट बहुत छोटी होगी, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए ये काफी होगी। सर, उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं और निस्वार्थ परमेश्वर के कार्य को करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो परमेश्वर की सेवा का मूल्य जानते हैं। उस बहन की जब जब बातों को मैं ध्यान करता हूं ना, तब तब अपने अंदर का ना फ्रस्ट्रेशन भूल जाता हूं। होता है ना, हम सब दिन भर फील्ड में होते हैं, काम करते हैं, महीनों महीनों अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन जब जब वो 20 रुपए की घटना मुझे याद आती है ना, मेरे दिल को मानो बूस्टअप कर देती है। इतना सहने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। उसका लक्ष्य था परमेश्वर का वचन हर घर, हर दिल और हर हाथ में पहुंचे। जरूरी है वो, बहुत जरूरी। और आपको पता है, अनुभव तो बहुत सारे हैं हमारे पास, यदि याद करने बैठे तो अपने आप में एक वो बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा। कोई इन बातों को याद नहीं करना चाहता, मुझे पता नहीं क्यों। एक बात और मुझे याद आती है जो दिल के ना बहुत करीब है, बहुत करीब है। पता है क्या, हमारे भाई एलेक इस संस्था के बहुत अनुभवी व्यक्ति है, बहुत शहरों में विजिट कर चुके हैं, पर उनका एक सबसे बड़ा अनुभव, और शायद हो सकता है जो रसीद बुक हम काटते हैं ना, उसकी सबसे छोटी कीमत को रखने वाला अनुभव मुझे आज याद आ रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हम लोग सुनेंगे हमारे भाई एलेक के द्वारा। सर, नहीं बोल पाऊंगा सर।
सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, वो दिन बहुत खूबसूरत थे। सुबह का वक्त था जब मैं डंगोई गांव पहुंचा। बसेस उस दिन अवेलेबल नहीं थी और मुझे जीप का सहारा लेना पड़ा। दिन का डीए जो हमको मिलता है उसमें से 150 रुपये खर्च हो चुके थे और मुझे लगने लगा शाम को लौटते वक्त अगर मुझे बस नहीं मिली तो बचे पैसे भी खर्च हो जाएंगे, क्योंकि दिन में हमें खाना भी खाना पड़ता था और उस दिन पास्टर साहब भी शहर गए हुए थे। उन्होंने गांव के एक जवान को जिसका नाम गोलू था उसको मेरे साथ विजिट करने के लिए नियुक्त किया। जब मैं गाड़ी से उतरा, जैसे कि मैं हर बार कोई भी जगह जाने से पहले दुआ करता हूँ, मैंने उस दिन भी वैसा ही किया। हे परमेश्वर पिता, इस दंगोई गांव को आपके हाथों में सौंपता हूँ और मेरे सफर को भी मुबारक कर, और जो व्यक्ति मुझे लेने आने वाला है उसे भी भला चंगा यहाँ लेकर आ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमेन। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे दूर से गोलू साइकिल में आता हुआ दिखा। साइकिल देखकर तकलीफ तो थोड़ी बड़ी, क्योंकि सालों हो गए साइकिल नहीं चलाया था और जाना भी बहुत दूर दूर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का नाम लेकर मैंने उस बात को सहन कर। अरे जय मसीह की पाती साहब। जय मसीह, जय मसीह। और गोलू कैसा भाई? अच्छा अच्छा पाती साहब, काफी हट्टा कट्टा हो गया यार, लगता मेहनत शहनत कम कर दी तूने। अरे नहीं पाती साहब, खाते तो हम पहले भी थे और अभी भी खाते हैं, लेकिन आजकल हमारे गांव में जर्सी गाय आई है, उसका दूध हम पीते हैं, हमारा वजन बढ़ गया। अरे वाह, चल फिर आज तो मेरा भी खाना पीना कैंसिल, मैं भी जर्सी गाय का दूध पीता हूँ यार। चल अच्छा ये बता, ये साइकिल आइकल यार, गाड़ी आड़ी की व्यवस्था नहीं हुई क्या? अरे पाजी साहब यही मिल गई, बहुत बड़ी बात है। चल अच्छा कोई बात नहीं, बैठी बैठी चले। चल 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 चल, देख भाई संभाल के किराए रहा है। और इस तरह हमने अपने दिन की शुरुआत कर दी और गोलू मुझे मेन लाइन चर्च के सदस्य के यहाँ विजिट करने के लिए ले गया। और उस घर में पहुंचते ही हम उस घर के बुजुर्ग व्यक्ति से मिले। उनसे काफी देर वार्तालाप होने के बाद हमें निराशा ही हासिल हुई, क्योंकि वो गांव आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था और इस तरह उस गांव का हर एक परिवार PSI को आर्थिक सहायता करने से पीछे हट रहा था। और जहां जहां पर हम जा रहे थे वहां पर हमें सिर्फ नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिल रहा था। और जब हम एक परिवार में पहुंचे तो वहां हमें मालूम पड़ा कि ऐसे और भी लोग हैं जो बाइबल सोसाइटी का नाम लेकर डोनेशंस इकट्ठा करते हैं। अंकल, बाइबल सोसाइटी पहली बार आपके यहाँ आया है सहयोग के लिए और हम आपसे कुछ सहयोग की उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं आप हमें कुछ सपोर्ट करेंगे। अरे भाई साहब, अभी तो कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे दान इकट्ठा करने, हमने उनको दान दिया है जी। पर बाइबल सोसाइटी तो पहले बार आपके यहाँ आई है। देखिए, हम एक रिटायर व्यक्ति हैं और हमारी उम्र देख रहे हैं आप, इस महीने का, इस साल का तो दान काफी हमने दे चुका है दूसरे संस्था को, लेकिन आप नेक्स्ट बार आएंगे जरूर हम आपका स्वागत करेंगे और आप बाइबल सोसाइटी के लिए हम जरूर दान इकट्ठा जो रखेंगे वो आपको। अभी हमारे पास फिलहाल बजट हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे जो सीमित आय है उसमें हमने जो है वो हमने दे चुके हैं संस्था को, पर आपके संस्था से हम वाकिफ हैं, बाइबल सोसाइटी के काम से हम वाकिफ हैं, उसकी सेवा से वाकिफ हैं। अगली बार जरूर आइए, आपके हम दान इकट्ठा करके रखेंगे जिसे हम आप तक दे सकें। ठीक अंकल, कोई बात नहीं, वैसे बाइबल सोसाइटी वर्ष में एक बार आती है और कोई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके स्थानीय पासवान को हमने इन्फॉर्म किया, और हमारे अलावा अगर कोई आता है तो वो हम नहीं है, क्योंकि हम आपके स्थानीय पासवान को इन्फॉर्म करके आते हैं। ये हमारी तरफी से आपको डोनेशन बॉक्स।
ठीक है, हमको अब याद रहेगा ये बॉक्स आपने हमें दिया है बाइबल सोसाइटी के लिए, और बाइबल सोसाइटी के काम को हम जानते हैं, और बाइबल सोसाइटी एक बृहद रूप से लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए प्रिंटिंग करती बाइबल का और बहुत कम कीमत में पहुंचाती है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके आने से, हम आपको निरुत्तर नहीं करेंगे, हम अपना पूरा योगदान हम बाइबल को वचन को फैलाने के लिए बाइबल पहुंचाने का आपका साथ देंगे। अरे भैया थोड़ा थक गए हैं, पैदल चल रहे थे। चल अच्छा ठीक है ठीक है बोलू, बैठे बैठे मेरी भी कमारा काड़ गई। चलो चल। अच्छा और ये बता गोलू, मैंने तुझे कुछ याद करने को दिया था किया? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चलाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अरे भाई मैंने भजन संहिता 91 कहा था, 23 नहीं। अरे पादी साहब चाहे 51 पढ़ो चाहे 23 पढ़ो, वचन तो वचन होता है, आशीष तो आपको मिल जाएगी। चुप कर यार बदमाश, 3 साल से उसी वचन पे अटका है तू। साहब जब अगली बार आप आएंगे तो मैं इस आयत को जरूर याद रखूंगा। चल भाई ठीक है, अब मैं साइकिल चलाता हूँ, तू बैठ। ठीक ठीक है, अपन को जल्दी गाँव पहुँच। गोलू एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। हमारा मकसद है परमेश्वर का वचन हर हाथ हर घर और हर दिल में पहुंचे, और इस तरह हम गांव के आखिरी परिवार की ओर चल पड़े जो कि 15 किलोमीटर दूर था। यार गोलू रुक जा यार, थक गए। अब ये बता और कितने किलोमीटर है यार? बस 8 किलोमीटर और है साहब। अरे अब चला नहीं जा रहा, चल 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 जल्दी पूर्ति कर। अरे साहब जी जरा साइकिल आराम से चलाना, बाजू में नदी और गिरने के बहुत चांसेस हैं। अरे गोलू घबरा मत, ऐसे कई नदियां मैंने साइकिलों से पार कर चुकी है, तू चुपचाप बैठ। अरे अरे साहब जी अरे अरे अरे, अरे कैसा कर रहे हैं? अरे बाप रे, अरे अरे परमेश्वर मेरी कमर। अरे गोलू बहुत जोर के लगी है रे, अरे कहाँ फंसा दिया रे। अरे पादी साहब साहब लगी तो नहीं? अरे नहीं, नहीं, दिखा, 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 अरे ठीक है गोलू सब ठीक है। अरे आप कहें तो इस टूर को कैंसिल कर देते हैं। नहीं गोलू नहीं, इस टूर को पूरा करके ही रहेंगे, और जो काम मुझे सौंपा गया है ना उसे मैं पूरा करूंगा, और आखिर परमेश्वर ने मुझे इस काम से बुलाया ही है ना। ये सब तो होता रहेगा यार, ये शैतान के अड़ंगे हैं ना, हमें इसके काम को पूरा करना है। चल चलिए चलिए मैं चलाता हूँ। चल चल भाई चल। अरे यार बोलो, आज किसी घर से सहयोग नहीं मिला, मेरा मन उदास हो गया है। ऐसे निराश मत हुई है, परमेश्वर हमको देखता है और वो हमारी सुनी ले। चलो देखते हैं। और इस तरह काफी मुश्किलों के बाद गिरते पड़ते हम गांव के आखिरी घर पहुंचे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो झेलनी पड़ती है भैया। बस ये रहा आखिरी घर कला दीदी का, मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपसे, ये वैसी गरीब है कि क्या देगी आपको साहब? मुझे नहीं चाहिए कुछ गोलू, मैं तो परमेश्वर के नाम से इधर आया हूँ और इस काम को आखिर तक अंजाम दूंगा। ठीक है चलिए। अरे जेम्स की गोलूपिया कैसे हैं आप? जेम्स की कला दीदी, बाइबल सोसाइटी से अलग भैया आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। बाइबल सोसाइटी से? वो भी मेरे घर पे? प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए रुकिए, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, एक प्रभु मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं,
क्या करूं, दो मिनट रुकिए, मैं इंतजाम करती हूँ। आइए ना, आइए आइए बैठिए, आइए। अरे बहन आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग ऐसे ही ठीक है। आप आए तो प्रभु आए साहब हमारे घर में, आइए बैठिए बैठिए। और बहन कैसी हैं आप? हम तो अच्छे हैं भैया, आप बताइए। और ये क्या, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, अरे कला दीदी वो रास्ते में गड्ढे थे तो हम दोनों गिर गए वहां पे। बहन आप मत घबराइए, ये बस ऐसे ही है। अरे नहीं नहीं आप रुकिए, मैं अंदर से मलहम लेके आती हूँ। आप चिंता मत करिए, ऐसी काफी देर हो चुकी है और हमें ये काम पूरा करके वापस भी जाना है। आप इधर आइए बैठिए। दीदी यदि आप बाइबल सोसाइटी को अपना दान देना चाहती हैं तो आप एलेक भैया को दे सकती हैं, क्योंकि जो दान आप देते हैं ना उससे परमेश्वर का वचन प्रकाशित होकर कई लोगों तक पहुंचता है। ऐसे महान काम के लिए साहब मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? परमेश्वर का वचन हर लोगों तक पहुंचे, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है साहब? माँ मैं आ गई। अरे बेटा तू आ गई, आजा आजा, देख कौन आया है, अंकल लोग आए। अंकल लोगों को जय मसीह की कर। जय मसीह की, जय मसीह। बेटा आजा बेटा आजा इधर मेरे पास। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना ये कौन है, ये मेरी इकलौती बेटी है साहब। सावी मेरी इकलौती बेटी है, ये दिमाग से थोड़ा कमजोर जरूर है पर मेरे लिए परमेश्वर की तरफ से बहुत बड़ी आशीष है। अगर ये ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होती साहब। वो कैसे? साहब 4 साल पहले की बात है, मेरा पति दारू पीकर बहुत गुस्से में था। जब वो दारू पीकर घर आया तब उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने पैसे देने से ही मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे साहब। तभी और पता साहब अब तो वो बहुत बदल गए हैं और अब पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन को परमेश्वर के और करीब ले आती है। बेशक कुछ घटनाएं तकलीफदायक बहुत होती है पर उसका फल मीठा बहुत होता है साहब। अरे साहब माफ करना, बातों बातों में तो भूल ही गई। अरे ये क्या साहब जी, मैंने कोई बहुत बड़ा दान थोड़ी ना दिया है, ये तो कुछ भी नहीं था। परमेश्वर के राज्य में बोया हर एक बीज कीमती होता है, परमेश्वर दान को नहीं मन को देखता है। प्रभु का धन्यवाद। साहब जी आप तो 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ,
दिन भर आप लोग इधर उधर घूम रहे, पता नहीं आपने दिन भर से खाना खाया कि नहीं। आप लोग बस 5 मिनट रुके, मैं अब भी अंदर से जाके कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, हमें नहीं खाना, हमें बहुत देर हो रही है। हाँ बहन, परेशान मत हो, वैसे ही अभी बहुत देर हो चुकी है और हमें बहुत दूर जाना है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको कुछ तो खाना होगा, मैं अभी अंदर से जाके कुछ लाती हूँ आपके लिए, रुकिए आप। अरे भैया, कला दीदी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए। अरे यार, क्योंकि ये काम करने जाते हैं बर्तन वर्तन धोने, तो उन लोग अपना खाना दे देते हैं, बचा कुछ कुछ बासा दे देते हैं, इसलिए मैं तो नहीं खाता। वजह आप परेशान हो गए। खाइए खाइए सब। मेरा दीदी हो गया, बस इतना ही खा पाऊंगा मैं, बस मेरा पेट भरा था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों नहीं खा भाई? हे प्रभु, ये सब्जी तो खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने उस बहन की सेवा भाव को देखकर उस भोजन को ग्रहण किया। और दिन भर के नेगेटिव रिस्पांस के बाद जब हम कला सिस्टर के घर से निकले, तो हमें परमेश्वर का आनंद सा महसूस हुआ और मन आनंद से भर गया। साहब, सुबह से शाम हो गई लेकिन सिर्फ 5 रुपए मिले, और कला दीदी के यहाँ तो मुझे खा ही नहीं जा रहा था, और मैंने तो बहाना मार दिया, लेकिन आप कैसे खा लिए पूरा खाना? गोलू, तुम्हें पता है उस बहन के पास सिर्फ वही 5 रुपए जो उसने परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोया। मुझे उसका दान इम्पोर्टेंट नहीं, मुझे उनका स्वागत करने का तरीका पसंद आया। हम इतने घर जाते गोलू, हर लोग तरह तरह से हमारा स्वागत करते, लेकिन इस बहन का स्वागत करने का तरीका मेरे दिल को भाग। बेशक वो खाना बासा था, लेकिन उसकी तरफ से वो बेस्ट था, और उसका वो मुस्कुराता चेहरा, उसे देखकर ही मैं सारा खाना खा गया। मेरा परमेश्वर पिता भी बोलूँ, उसके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा। और तब मेरे दिल में आया कि दिन भर का डीए जो हमें मिलता था, उसमें से जो पैसे बचे थे मेरे पास, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना मैं सिस्टर के लिए कुछ राशन खरीद के दे दूं। गुरु, तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ, ठीक? कहीं जाना मत। गुरु, बेटा इस बहन को दे देना ये राशन, ठीक? और उसे बताना मत कि किसने दिया, कि परमेश्वर का वचन भी कहता है देने से देना आना, इसलिए उसे प्लीज मत बताना। जो उसने बोया वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बोया, और जो मैं उसे दे रहा हूँ वो उसकी उन्नति, हो सकता आज वो ताजा खाना खा सके। ठीक है बेटा, ये उसे दे दे। साहब, ये तो आपके डीए के पैसे थे ना? कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँ, मेरी तकलीफ उसकी तकलीफ से ज्यादा नहीं है, समझा? जा, ये राशन उस बहन को दे दे। सर, मैंने ट्रेवल तो बहुत किया है, लेकिन ये घटना मैं बीते 16 सालों से याद रखता आया हूँ।
ये मेरे लिए एक आनंद पूर्वक अनुभव था। उस बहन का 5 रुपए मेरे BSI के सेवा काल में सबसे बड़ी राशि है, और इस तरह मुझे एहसास हुआ कि BSI में आने वाली हर एक राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह राशि लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। काश हम सब इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई सभी को पता होनी चाहिए। और यदि हम ही लोग सहयोग ना करें और हम ही लोग ना समझें और हम ही लोग यदि गंभीर ना हो, तो परमेश्वर हम सबों से हो सकता है दुखित हो जाए। हे परमेश्वर, इस बात को सब कोई समझने पाए कि तेरे वचन की गंभीरता और उसकी सत्यता लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना जरूरी है।